सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शताब्दी। कैसे हैं आप लोग? आशा रखती हूँ कि सब लोग अपने घरों पे सेफ और सुरक्षित हो। तो अभी एक्चुअली शाम के 4 बज चुके हैं और शाम के 4 बजे से मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। आज का व्लॉग एक बहुत ही हल्का फुल्का सा व्लॉग होगा, तो बने रहिए मेरे साथ। एक्चुअली मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख पा रहे हो, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट मेरी मम्मी के साथ कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। आपको भी लिए चलूंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन है, प्लीज उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो गाइज, मम्मी भी रेडी हो चुके हैं और हम अभी निकल जा रहे हैं मार्केट के लिए। कुछ बहुत ही ज़रूरी सामान लेना था मम्मी को, तो मम्मी बोल रही थी कि चलो मार्केट से हो आए, और मुझे भी कुछ ख़रीदना था, तो इसीलिए हमने अभी प्लान बनाया कि चलते हैं। 4 बज रहा है, ज़्यादा कुछ टाइम वैसा हुआ नहीं है, शाम के 4 बजे, लेकिन फिर भी बाहर अंधेरा छा गया है बिल्कुल। मैं आपके साथ जाते हुए नज़ारा शेयर करूँगी। तो मुझे अभी डालनी है एक जैकेट, क्योंकि मैं हाफ स्लीव की एक कुर्ता पहनी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, मुझे ऐसा महसूस हो रही है। तो चलिए चलते हैं, मैं जैकेट डाल लेती हूँ और आपको भी लिए चलती हूँ साथ ही साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, देखिए मेरी मम्मी भी रेडी हो चुकी है और हम निकल पड़े हैं मार्केट के लिए। तो मम्मी जा रही हैं, जस्ट निकली ही हुई हूँ मैं अपने घर से, और अंधेरा बिल्कुल छा गया है। अभी लगभग 4:30 बज रहे हैं घड़ी पे, उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया था, और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, मैंने जैसा अनुमान लगाया था वैसा ही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो जैकेट डालने का मेरा जो मतलब मैंने सोचा था कि जैकेट डाल के जाऊँ, वो सही में काम आ गया मेरा। और बस थोड़ा सा नज़ारा भी आपके साथ शेयर किया जाते हुए, बस पहुँच चुके हूँ मैं मार्केट। तो मम्मी जा रही हैं आगे आगे, तो मैंने सोचा कि उन्हें क्लिपिंग्स शेयर करूँ आज, जैसे कि मैं सारे त्यौहार वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर ना लगभग 40-60% मार्केट बंद ही था, लेकिन कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था, तो इसीलिए हम गए थे। पहले हम गए कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो मम्मी ग्रॉसरी का कुछ लिस्ट लेके आई थी चावल। तो ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद हम गए कॉस्मेटिक्स शॉप में। आप देख पा रहे हो मैंने जितना हो सके मैंने क्लिपिंग्स आपके लिए शेयर किया। कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान वगैरह लेना था, तो इसलिए हम गए कॉस्मेटिक्स शॉप में, और आप देख पा रहे हो कितनी भरा हुआ सामान है। नेल पेंट्स वगैरह कुछ लेना था, परफ्यूम वगैरह कुछ लेना था, जो मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या कॉस्मेटिक्स मार्केटिंग किया। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ कितने कलरफुल नेल पेंट्स देखे थे मैंने एक्चुअली, तो मुझे अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं कुछ नेल पेंट्स ले रही थी। तो आगे आगे देखते रहिए, मैं आपको दिखाऊँगी। सो हे गाइस, अभी जस्ट घर पहुंची हूँ और मैं जैकेट डाल के गई थी एक। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों आते आते बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, तो मैं ड्रेस चेंज कर लूँ, फिर आपसे मैं शेयर करती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या लाई। आपने देखा ना मार्केट का थोड़ा नज़ारा आज, एक्चुअली अभी दिवाली वगैरह सब ख़त्म हो चुका है ना, तो इसीलिए मार्केट थोड़ा सा शांत है हमारे यहाँ पर। लगभग सारी दुकानें आप कह सकते हो कि 60% मार्केट बंद ही था, तो जितना हो सके हमने कुछ चीज़ें मम्मी को लेनी थी तो मम्मी ने ले लिया वो सब। तो अभी जस्ट घर पहुंची हूँ, अभी बज रहा है घड़ी पे 6:30 हो चुका है, तो मैं चेंज कर लूँ फटाफट, फिर आपसे मिलती हूँ। सो हेलो, मैं आ चुकी हूँ फिर फ्रेश व्रेश होके, तो मैं जैसी हूँ वैसी ही आ चुकी हूँ आपके सामने। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, अभी एकदम से कुछ भी करने का मूड नहीं कर रहा है, और पीछे बन रहा है चाय। ऑफ कोर्स शाम की वक्त है और ठंड का सीज़न है, तो बिना चाय के तो मैं नहीं रह सकती बिल्कुल, चाय तो मस्ट है। तो मैं फ़िलहाल, मुझे ऐसा लगा कि पहले चाय बना लूँ, घर के सभी लोगों के लिए चाय बन रहा है पीछे, तो मैंने जस्ट चाय को चढ़ाया, और उसके बाद मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर करूँ कि ये बातें स्टार्ट करूँ कि अभी जस्ट चाय बना लूँ, चाय पी लूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मार्केट से क्या क्या लाई हूँ। खाने पीने का सामान वैसा कुछ शेयर करने का कुछ है भी नहीं, वो सब मैं क्या शेयर करूँ बताएं,
एवरीडे बेसिस का कुछ मम्मी ने लिया है घर के सामानों में, वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। हाँ, ज़रूर मैं कॉस्मेटिक्स वगैरह शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने लिया है, छोटा मोटा ही सही, लेकिन आपके साथ तो शेयर करना बनता ही है, राइट। तो पहले मैं चाय बना लूँ फटाफट से। चाय पूरा सा एकदम ब्लैक हो गया है, तो उसको छानना बाकी है अभी, तो उसके बाद मैं हेलो गाइस, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कॉस्मेटिक्स मार्केटिंग क्या क्या किया है। उतना कुछ खास नहीं, लेकिन जो भी किया है आपके साथ मैं ऑफकोर्स शेयर तो ऑफकोर्स करूँगी। बाकी जितना कुछ मम्मी ने खरीदा है घर की खाने वाने की चीज़, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये है मेरे कॉस्मेटिक्स का एंटायर शॉपिंग, क्या क्या किया है मैं आपके साथ दिखा देती हूँ। मैंने अभी तक पैकेट खोला ही नहीं, तो आपके साथ ही मैं खोल रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो पहले है ये वाला, ये एक टिकटॉक जो क्लिप्स है उसका एक होल जो स्लैब है वो मैं लेके आई हूँ। बहुत ज़रूरी होता है ये सारे क्लिप्स की, जब आप लगाने जाओ तो ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है कहाँ नहीं, तो एक ये वाला क्लिप का एक पत्ता लेके आई हूँ। ओके, नेक्स्ट है एक परफ्यूम मैं लेके आई हूँ, ये है नाइट एंगल, पॉलकैम का नाइट एंगल परफ्यूम। इसका स्मेल जो है ना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही देखते आई हूँ पॉलकैम का हर एक परफ्यूम जो है वो। ऑसम स्मेल है इसका। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल, तो ये एक्चुअली मेरी मम्मी जो है वो एवरी डे यूज़ करती है, एवरी डे। तो ये एक एलोवेरा पतंजलि का एलोवेरा जेल लेके आई हूँ। ओके, नेक्स्ट इज एक हेयर जेल है, ये वाटर ग्लॉस सॉफ्ट हेयर जेल लगता है हमें कभी कभार। ये एक्चुअली मेरी बहन के लिए है, वो यूज़ करती है ये, पता नहीं, तो इसीलिए उसने कह दिया था। ये गैट्सबी ब्रांड का है, तो दिस वन। नेक्स्ट इज़ बहुत ज़्यादा ठंड है एक्चुअली, बहुत मुझे बहुत ठंड लग रही है। एक सुथान लेके आई हूँ, ये एवरी डे चाहिए, आप समर सीजन में भी इसे मैं यूज़ करती हूँ, और विंटर में तो ऑफकोर्स ये चाहिए ही होता है। ये एक नेक्स्ट इज एक ऑफकोर्स हम लेडीज के लिए नेल रिमूवर तो चाहिए ही होता है, तो एक नेल रिमूवर। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस पैकेट खाली हो गया है। और दो नेल पेंट लेके आई हूँ, एक है ब्लैक कलर में और एक है ब्लू कलर में। आप जैसा कलर देख रहे हो वही कलर है, एक ब्लैक और एक ब्लू, दैट्स इट। बस यही था मेरा आज का शॉपिंग, कॉस्मेटिक्स शॉपिंग जो जो मैंने किया है। मैं शाम से आपके साथ थी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। लॉट्स ऑफ लव टू यू, मैं मिलूंगी फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, बाय।